तो ये मेरे सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं ना, येलो कलर की जो है, इस पर राउंड से सर्कल है, ये है लाइब्रेरी बर्मिंघम की सबसे बड़ी। तो आज मौका मिल गया, चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैंने इसलिए नीचे पकड़ा हुआ, मेरे पीछे है बर्मिंघम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था, कुछ टाइम की किल्लत थी, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोगों को अंदर से व्यू कराया जाए और आपको दिखाया जाए यहाँ का क्या सिस्टम है, स्टूडेंट्स कैसे आके बुक्स लेते हैं, क्या सिस्टम है, सारा आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, लेट्स गो। ये है आप लोगों के सामने जो बिल्डिंग आ रही है, इस पर लोहे की रिंग है, ये है बर्मिंघम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं और कैसी बुक्स हैं, क्या सिस्टम है। तो जाने से पहले मैंने कहा ये आपको इनका दिखा दूँ, स्टैचू है जो टू बॉयज़ एंड टू वुमेंस खड़ी हैं इस तरह, ये देखें। और ये है बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ये आपको दिखाते हैं जो हॉल है, ठीक है, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेबल टेनिस है, जिन्होंने खेलना हो वो यहाँ पे खेल सकता है, ठीक है, इस तरह करके है, ठीक है। वो सामने जगह वहाँ पे लोग साइकिल खड़ी करते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और जिनको पढ़ने का शौक़ है, ठीक है, वो सीधा अंदर जाके, ठीक है, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जी। तो मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ, अगर आप लोगों को मेरी कैमरे की आँख से नज़र आ रहा हो, इधर लिखा हुआ है लाइब्रेरी ऑफ बर्मिंघम, ठीक है। यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ से ओवरव्यू दिखाते हैं 360। ये देखें कितना अच्छा मौसम है। और सो ये लाइब्रेरी है, ठीक है, बर्मिंघम लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ठीक है। मैंने कहा चले ऊपर आके आप लोगों को दिखाएं, हर तरह की बुक्स पढ़ी हैं। सो खैर यहाँ पे ज़्यादा बोलना नहीं होता, मैंने कहा चले फिर भी आप लोगों को यहाँ विज़िट करवा लें। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यहाँ पर आएँ और देखें, और देखें ये व्यू है यहाँ का, ठीक है। ऊपर भी स्टेयर जा रही है, ऊपर भी आपको लेके चलते हैं, ठीक है, और नीचे का व्यू ये यहाँ से इस तरह का है, ठीक है। हर तरह की किताब्स हैं इधर, किताबें हैं, किताबें, ये देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। ओ एंड तक वहाँ पर चुप रहना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल ऑथर्स एस से लेके टी तक, पता नहीं ऐसा कुछ है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स, पिन ड्रॉप साइलेंट है खामोशी में, ज़्यादा बोल नहीं सकता। ये देखिए आगे आपको लेके चलते हैं, वो नीचे ये देखिए, ये बिल्कुल मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गया हूँ, थर्ड सेकेंड बेसमेंट है शायद। ऊपर नीचे भी बुक्स ही बुक्स हैं, बिल्कुल फ्री हैं, जिसने आगे पढ़ना है पढ़े, नो इशू। मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में ना इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी, चलते जाओ बुक्स नहीं ख़त्म होंगी, ठीक है। हर तरह का म्यूज़िक है, देखिए प्रिंटेड म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक लाइब्रेरी लैदा है और दूसरी लैदा है स्टडी से रिगार्डिंग। वो सामने ओपन टेनिस की जगह बच्चे खेल सकते हैं, वहाँ हर तरह की बुक्स हैं यहाँ पे,
वाह यार, तालीम हो तो ऐसी हो। नो वर्ड्स, मेरा वर्ड्स नहीं है। बोरो कर सकते हैं, अकाउंट बनवा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, कंप्यूटर भी चूज़ कर सकते हैं। और ये है रिटर्न बॉक्स आफ्टर रिटर्निंग द बुक्स। ये बॉक्स बना हुआ है, आप इसके अंदर यहाँ से बुक्स अंदर डाल दें जो आपको नहीं चाहिए, जो आप लेके गए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सच में। ओए होए होए, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इतनी बुक्स मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। वहाँ मैंने आवाज़ नीचे की हुई थी, तो फाइनली मैं अब थोड़ा क्लियर बोलता हूँ और बारिश भी शुरू होगी। ये मैं बर्मिंघम लाइब्रेरी आया हुआ था। इतनी बुक्स, प्रॉपर एक तरीका है। ठीक है, बोरो करनी है, आपने लेनी है तो कार्ड लगेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, कब वापस करनी है, टाइम ड्यूरेशन, एलसीडीज लगी हुई है, बड़ा सिस्टम है। मैं थोड़ा लाइब्रेरी के बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी है और ये यहाँ का बाहर का व्यू है। ठीक है, वो सामने रेड निशान HSBC का है, सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, जो सामने बिल्डिंग है वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ऊपर बिल्डिंग है। तो इस तरह करके ये सब स्टूडेंट हैं, साइकिल्स पे आते हैं, किताबें पढ़ते हैं।